किया है, फैमिली करंट में रह रही है, सिक्योरिटी गार्ड है, पूरी गेटेड सोसाइटी है, स्ट्रीट लाइट, सीसीटीवी कैमरा और रोड बना के दे रहे इंटरलॉक पार्क मंदिर, ये सब मीटर लगे हुए हैं, गवर्नमेंट के मीटर लगे हुए हैं सर करंट में, आप देख सकते हो दोस्तों मीटर लगे हुए हैं। यहाँ पे किचन में लोग क्या करते हैं, लकड़ी यूज करते हैं, सेंचुरी कंपनी का लगा रहे हैं सर। स्कूल है आपका। और हेलो दोस्तों, वेलकम टू हनी चिंदिला ब्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब, आई होप सब अच्छे होंगे। मैं ऐसी प्रॉपर्टी लेकर आया हूँ जड़ से घर, पक्की रजिस्ट्री दाखिल खारिज के साथ। पूरी इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं हमारे साथ रहने वाले सचिन भैया। सचिन भैया कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ भैया, आप बताइए कैसे हैं? बढ़िया। तो ये जो आपकी टाउनशिप रहने वाली है, कहाँ पर रहने वाली है? ये लोकेशन आता है ग्रेटर नोएडा वेस्ट छपरोला बोलते हैं इसे, जिसे नोएडा एक्सटेंशन बोला जाता है। ठीक है। ओन हाईवे प्रोजेक्ट है हमारा, हाईवे मेंशन के नाम से। ठीक है। यहाँ पे हम सिंप्लेक्स विला बना रहे हैं एक एक मंजिल का। अच्छा। 80 गज में, 100 गज में, 80 प्लस जितना बड़ा साइज चाहिए वो चाहिए पॉसिबल हमारे पास मिल जाएगा। मैं एक, आप ये देखिए हमने पोजीशन दे दिया है, फैमिली करंट में रह रही है। फैमिली आ गई है? हाँ जी, हाँ जी फैमिली रह रही है। सिक्योरिटी गार्ड है, पूरी गेटेड सोसाइटी है, स्ट्रीट लाइट, सीसीटीवी कैमरा और रोड बना के दे रहे इंटरलॉकिंग, सीवर वगैरह हम डाल चले हुए। हाँ सीवर चल रहे हैं, फंक्शनल है सारा। ठीक है। फ्रंट पे सारा कॉमर्शियल रहेगा, एक छोटा से क्लब देंगे जो अपने सोसाइटी का पार्टी वोटी करने के लिए। अच्छा अच्छा। और एक जिम रहेगा, बाकी पार्क मंदिर ये सारी सोसाइटी के अंदर हम बना के दे रहे हैं। तो रोड से कितने अंदर होगी साइड? मुश्किल 100 मीटर सर। कौन सा हाईवे रहने वाला है? NH 91 हाईवे बोलते हैं, जो आपका दादरी बुलंदशहर वाला रोड है सर। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये जो आपने साइज दे रहा है, यहाँ पर लाइट पास हो चुकी है आपकी? हाँ जी लाइट पास है, करंट में फैमिली रह रही है, मीटर आ चुके हैं, मीटर लगे हुए हैं, गवर्नमेंट के मीटर लगे हुए हैं सर करंट में, आप देख सकते हो दोस्तों मीटर लगे हुए हैं यहाँ पर। तो साइज आपने अभी बताए थे 100 गज, 80 गज है, 100 गज है, 150 गज है, 80 प्लस जितना बड़ा साइज चाहिए वो चीजें मिल जाएगा। बट फ्रंट का जो एलिवेशन रहेगा वो हमारा ही रहेगा, चाहे एक मंजिल हो या दो मंजिल हो या तीन मंजिल हो, एलिवेशन सेम रहने वाला है जी। ये पूरी गेटेड सोसाइटी इसीलिए हम बना रहे हैं, पूरे एलिवेशन सभी का सेम रहेगा। रोड कितने फीट का रहने वाला? 22 फीट का रोड है सर, यूजेबल रोड है। अच्छा। रीजन है कि इसमें हम नाली नहीं बना रहे, सीवर डाल के दिए हैं, हर घर के सामने एक छोटा सा चेम्बर बनाएंगे, बारिश का पानी चेम्बर के जरिए सीवर में निकल जाएगा। बहुत अच्छी बात है। ठीक है। सेफ्टी टैंक वगैरह सब बना के दे रहे हैं हम। मंदिर भी दिया आपने? मंदिर पर मंदिर भी है, पार्क भी है, छोटा सा क्लब भी रहेगा और जिम भी रहेगा। अरे वाह जी, तो ये तो बहुत अच्छी टाउनशिप रहने वाली है। हाँ जी हाँ जी, करंट में सर हाईवे से कनेक्टिविटी की किसी चीज की इशू नहीं है, एनी टाइम कभी भी कोई भी चीजें चाहिए आपको करंट में सारी चीज अवेलेबिलिटी है यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है सचिन भाई, मुझे ये बताइए इसमें जो साइज है अभी रेडी टू मूव में कौन सा ऑप्शन बचा हुआ है? मैं अभी 100 गज का आपको दिखाता हूँ यूनिट। ठीक है, आप एक देखिए, ये 22.5 का इसका फ्रंट आता है, गहराई इसकी 40 की है। ठीक है। पार्किंग की अगर मैं बात करूँ तो पार्किंग प्रॉपर आपका गाड़ी की पार्किंग हम दे रहे हैं घर के अंदर, ये पार्किंग रहने वाली है। हाँ जी हाँ जी। पार्किंग के साइज है आपका 17x10 का। 17x10 जी। ठीक है। ये MS का डोर रहेगा? यस यस। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं MS का डोर मिलने वाला है, एक विंडो आपको यहाँ पे दी गई है, तो काफी अच्छे वर्क के साथ ही आपको घर मिलने वाला है, पक्की रजिस्ट्री दाखिल खारिज के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और आज आपके लिए लेकर आया हूँ बेस्ट प्रॉपर्टी। तो सचिन भाई और क्या क्या दे रहे हैं आप इसमें? अगर घर में एंट्री करते हैं, पहली बात तो खास ये होती है कि पार्किंग हो, दूसरा कि पानी के लिए सबसे बड़ी बात होती है पानी का, सभी का इंडिविजुअल समरसेबल लगा के दे। ठीक है, अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। ठीक है, समरसेबल सबका सेपरेट रहेगा? सेपरेट रहेगा सर। ठीक है ठीक है। SS की ग्रिल लगा के दे रहे हैं सीढ़ियों के लिए। ठीक है, प्रॉपर स्पेस है, सीढ़ियां 3.5 फीट की सीढ़ियां भी आती है। ठीक है ठीक है, इस तरीके से हम बना रहे हैं। चलो अंदर की तरफ देखते हैं क्या क्या मिलने वाला। अब ये 100 गज में हमने लेआउट दो निकाला है सर, एक 2BH का निकाला है, एक 3BH का निकाला हुआ है। ठीक तो है। अभी मैं आपको जो फिनिशिंग दिखा रहा हूँ वो 3BH का है। 3BH का? हाँ जी, जो घर में हम काम करके दे रहे हैं। एंट्री करने के बाद ये एक छोटा सा आपका डाइनिंग हॉल आ गया सर। ठीक है, ये वाला। हाँ जी, डाइनिंग हॉल के बाद यहाँ पे एक हमारा कॉमन वॉशरूम आता है, ये वॉशरूम रहने वाला है। इसके पीछे एक शाफ्ट दे दिया हमने वेंटिलेशन के लिए। ठीक है, विंडो दी हुई है। हाँ जी हाँ जी। फिर हमारा पहला बेडरूम आता ही है, पहला बेडरूम है, इसमें 12x12 का साइज है बेडरूम का। इसमें जो फॉल सीलिंग देख रहे हैं ये सारा हम करके दे, हैवी फॉल सीलिंग, लाइट, फैन, मॉड्यूलर किचन, प्लस ये पेंट वगैरह जो आप देख रहे हैं ना सर, एशियन कंपनी का प्लास्टिक पेंट करके दे रहे हैं। अच्छा। एंकर का स्विच लगा के दे रहे हैं, हैवेल्स का तार लगा के दे रहे हैं सर। देख सकते हैं दोस्तों आप, काफी फिटिंग के साथ, काफी अच्छी फिटिंग के साथ आपको मिलने वाला है सर। तो ये एक विंडो हो गई यहाँ पर है ना जी, ये आपका फर्स्ट बेडरूम रहने वाला है। जी फर्स्ट बेडरूम है। अब आता है इन द सेंस, ये जो हमारा साफ्ट वाला एरिया है बाथरूम का, कॉमन बाथरूम के पीछे वॉश बेसिन लगा के दे। ठीक है, वॉश बेसिन हो गया, वॉश बेसिन हाथ वगैरह धुलने के लिए। फिर आता हमारा ये किचन,
किचन जो देख रहे हैं ये मॉड्यूलर हम बना के दे रहे हैं सर। सबसे बड़ी बात है किचन में लोग क्या करते हैं, लकड़ी यूज करते हैं, हम प्रॉपर डबल लेयर पत्थर, पार्टीशन भी पत्थर, पीछे टाइल्स लगा के दे रहे हैं। ठीक है, ये रैक्स वगैरह सारा सेंचुरी कंपनी का लगा रहे हैं सर। अच्छा, इसमें आप देख सकते हैं जितने लगे सेंचुरी कंपनी का लगा के दे रहे हैं। सेंचुरी कंपनी का आप लगा के दे रहे हैं? हाँ जी। तो मॉड्यूलर किचन आप बहुत मजबूती से काम करा के दे रहे हैं। ऊपर नीचे सारा रैक्स वगैरह हम लगा के दे रहे हैं, जो आप देख रहे हैं सारा हम लगा के दे रहे हैं सर। ठीक है, इस तरीके से प्रॉपर बना के दे रहे हैं। तो काफी अच्छी मॉडल किचन रहने वाली दोस्तों, आप देख सकते हैं। ये क्या, ये चिमनी, ये के लिए? चिमनी के स्पेस दे रखा है चिमनी लगने के लिए। चिमनी आप लगा के दोगे या फिर नहीं? नहीं नहीं सर, चिमनी आरओ हम लगा के नहीं दे रहे हैं। ठीक है ठीक, बट वो एज फॉर वो क्लाइंट के ऊपर बैठ के चीजें देख लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब आता हमारा दूसरा बड़ा बेडरूम। ये आपका 14.5x10 का साइज आता है बेडरूम का सर। 14.5x? हाँ, इसमें भी प्रॉपर फॉल सीलिंग, लाइट फैन, ये सारा हम करके दे रहे हैं सर। ठीक है ठीक। वेंटिलेशन के लिए हमने विंडो दे दिया यहाँ पे, ये विंडो रहेगी। ठीक है, एसी भी यहाँ पर लगा सकते हैं, आ जाएगा? हाँ, बिल्कुल आ जाएगा सर। विंडो एसी लगाना है, स्प्लिट लगाना है, प्रॉपर आ जाएगा सर। हाँ। अब आता है हमारा तीसरा बेडरूम सर। तीसरा बेडरूम में एंट्री करते हैं, ये हमारा 11.5x10 का साइज आता है इस वाले बेडरूम का। ठीक है, इसमें फॉल सीलिंग, इसमें भी प्रॉपर फॉल सीलिंग, लाइट फैन है, इससे अटैच वॉशरूम है। ठीक है जी, इससे अटैच वॉशरूम हम करके दे रहे हैं जो मास्टर बेडरूम के यूज का है। ठीक है, मास्टर बेडरूम रहेगा। इसके पीछे आता साफ्ट वेंटिलेशन के लिए। ठीक है, 4x4 का साफ्ट है, वॉशिंग मशीन का हमने पॉइंट यहाँ पे लगा के दिया हुआ है, प्रॉपर अपना यूज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी खास बात यह है जी, इसमें कवर्ड अलमारी दे रहे हैं सर बना के, प्रॉपर आपको अलमीरा हम बना के दे रहे हैं। ये आप जो देख रहे हैं ये आपको कंप्लीट करा के देंगे। जी जी, पूरा कंप्लीट करके। और दूसरी बात ये होती है कि जितने हमारे चौखट और विंडो हैं वो सारा एसएस की स्टील का लगा के दे रहे हैं ये। अच्छा, जितने हैं लकड़ी नहीं है, सारा एसएस की स्टील लगा के दे रहे हैं। कभी भी कभी दीमक की इशू नहीं आएगी, फ्यूचर में कभी खराब नहीं होगा। इस चीज का हमारा है, ये हमारा 100 गज का विला आता है, बाकी पूरी सोसाइटी हम गेटेड करके दे रहे हैं। ठीक है, सारी एमिनिटीज देना है, करंट में सारी फैसिलिटीज है, स्कूल से लेके हॉस्पिटल से लेके कनेक्टिविटी, प्रपोज मेट्रो भी है इस पे। अच्छा, हाँ जी। बट रहने वाली हूँ, कितनी दूर रहेगी सर? मेट्रो आएगा मुश्किल 200 मीटर के डिस्टेंस पे। अच्छा। बट उसका जो टाइम गाइडलाइन है वो लगभग 2028 का है। अच्छा। बट मिल जाएगा, जल्दी मिलेगा। अच्छा, मतलब टाइम लगेगा पर आ जाएगा। हाँ ठीक है। तो दिल्ली से कितनी डिस्टेंस रहेगी यहाँ पर सर? दिल्ली से पड़ जाएगा लगभग आपका 20 किलोमीटर अप्रोक्स लगेगा। ठीक है, तो मेट्रो कौन सा अभी जो है फिलहाल वो कौन सा रहेगा? रनिंग में अभी है आपका गाजियाबाद का न्यू बस अड्डे का, न्यू बस अड्डे वाला है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ से डिस्टेंस आएगा उसका लगभग 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर ठीक है, जो मेट्रो को रहने वाला है। जी जी। तो बच्चों के लिए स्कूल भी आप बता रहे हैं, स्कूल प्ले स्कूल हो गया आपका, और हॉस्पिटल हो गया आनंद हॉस्पिटल, बहुत बड़ा 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे यहाँ पे पूरे गाजियाबाद में, और धनवंती हॉस्पिटल है जो लाल कुआं पे पड़ता है, यहाँ से लाल कुआं का डिस्टेंस 3.5 किलोमीटर मैक्सिमम पड़ता है लाल कुआं का जो रहने वाला। हाँ जी हाँ जी ठीक है। तो दादरी यहाँ से पड़ जाएगा लगभग आपका 9 किलोमीटर मैक्सिमम। सचिन भाई, पानी कैसा रहेगा यहाँ पर? मीठा पानी है सर। मीठा पानी है? हाँ जी हाँ जी। तो आप जो समरसेबल करा के दे वो कितने फीट तक करा के? समरसेबल करा के दे रहे 160-170 पे सर। 160-170 जी। ठीक है। और जो समर की हम लोग पूरी फिटिंग लगा के दे रहे हैं, तृप्ति का है, जिंदल का है, किसान का है, कस्टमर जिस पे एग्री करता है तीनों में से वो हम लगा के, वो कस्टमर की चॉइस होती है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ठीक है। तो और आप बता रहे थे यहाँ पे 80 गज का भी है? हाँ, 80 गज का भी है। सचिन भाई, आपने टूर करा दिया है मकान का, को बताएंगे, कमेंट करेंगे उनको कैसा लगा ये वाला। तो मुझे ये बताओ कितने रुपए में देने वाले हो ये घर? सर ये 12 लाख रुपए में आपको मिलेगा, ओनली 12 लाख रुपए। 12 लाख रुपए में एमआई के साथ 80% बैंक लोन है, 20% डाउन पेमेंट मिलूंगा। आप कभी भी आए तो सचिन नाम पूछिए। सच कह रहा हूँ, ये हमारा 40 फीट की एंट्री है सामने, आप ये देखिए 40 फीट की एंट्री है, बट इस रोड पे आपको ब्रोकर बहुत सारे खड़े मिलेंगे जी। तो सचिन भाई क्या डिस्काउंट देने वाले हो आज? डिस्काउंट है एज फॉर कस्टमर के अकॉर्डिंग, मीटिंग के बाद वो बताएंगे। है इतना है कि चीजें हमारे पास बैठेंगे कस्टमर, मैं दे के भेजूंगा, वापस उठ के जाने नहीं दूंगा, ये सिक्योरिटी हमारी तरफ। एज फॉर ये हमारी खुद की प्रॉपर्टी है, खुद बना रहा हूँ, खुद ही सेल कर रहा हूँ, किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्व नहीं है। बिल्कुल, पर अच्छा खासा डिस्काउंट भी दे देना सचिन भाई। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। ये बताइए इसका प्राइस क्या रहने वाला है? बिल्कुल नहीं, हमने बताया 80 गज का जो स्टार्टिंग हमारा लगभग 46-47 लाख रुपए का आता है सर, जो एक मंजिल हम बना के दे रहे हैं प्रॉपर। ठीक है। और 100 गज का हमारा जो है वो 56-58 लाख रुपए का डिमांड आता है सर। ये हमारी आस्किंग प्राइस है, बाकी कस्टमर को चीजें पसंद आती है तो बैठ के नेगोशिएबल है, नेगोशिएबल भी रहने वाला है। बिल्कुल है बिल्कुल। ठीक है, तो 80% लोन आप बता ही रहे थे। 80% लोन है, 20% डाउन पेमेंट है, पक्की रजिस्ट्री है। ठीक है, प्रॉपर आपका दाखिल खारिज म्यूटेशन जिसे बोलते हैं। रजिस्ट्री कहाँ से होगी इसकी? दादरी तहसील इसकी लगती है। ठीक है, रजिस्ट्री दादरी तहसील से होगी, और रेजिडेंशियल में सारी ये रजिस्ट्री है सर।
ठीक है, तो मतलब प्रॉपर्टी बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉपर्टी बेस्ट है, प्रॉपर फैमिली शिफ्टेड है, किसी चीज के इशू नहीं है, सारी एमिनिटीज है, पूरी गेटेड सोसाइटी है, सारी एमिनिटीज करके दे रहे हैं। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पहले इसका हम व्यू देखते हैं क्या रहने वाला है। जी जी बिल्कुल, ओके धन्यवाद।